असलकम स्टूडेंट्स हमने जो है आपके लेसन नंबर फाइव से स्टार्ट किए थे रॉक्स एंड मिनरल से तो लेसन नंबर फाइव हमने कंप्लीट किया है हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे कल हमने जो है आंसर इन ब्रीफ का ई पार्ट तक किए थे आज हम सिक्स पार्ट आंसर इन डिटेल से कंटिन्यू करेंगे ठीक है तो ये पार्ट है आपका हाउ आर सैटामेंट्री रॉक्स फॉर्मेट सेटामेंट्री रॉक्स कैसे बने हैं हम देखेंगे हमने पढ़ा भी है ठीक है Sand, clay, and rock fragments are carried by wind and water into water bodies. They sink to the bottom as sediments. Over time, multiple layers of the sediments accumulate one over the other, other layer. On top, compress the bottom layers. The continuous pressure. over thousands of years cements the bottom layer together which then harden to form sedimentary rocks to humne padha bhi hai sedimentary rocks kaise bante hain kaise bana hai sand clay rocks fragment jo water टर या विंड के थ्रू वाटर बॉडीज में चले आ चले जाते हैं या वाटर बॉडीज में आते हैं तो वो बॉक्स फ्रैगमेंट जो है डूब जाता है बॉटम ऑफ दी यानी नीचे जो वाटर बॉडीज़ के नीचे बॉटम में डूब जाते हैं एज सेडिमेंट्स ओवर टाइम बहुत टाइम गुजरने के साथ साथ उनका मल्टीपल लेयर ऑफ द सेडिमेंट्स बन जाते हैं ठीक है ठेके? एक के ऊपर एक लेयर बन जाते हैं और जो टॉप लेयर है वो कंप्रेस करके दबा के रखते हैं बॉटम लेयर को ये जो कंटिन्यू जो कंप्रेस करके रख कम्प्रेस करने के बाद दबाने के बाद जो प्रेशर जो उसके ऊपर पड़ते हैं थाउजेंड ऑफ ईयर ठीक है year, तो वो उसको जो है आपस में सीमेंट करते हैं ठीक है और बाद में आ, विच देन हडन तो बाद में जो है मतलब बहुत टाइम थाउजेंड ऑफ ईयर के बाद जो है वो बहुत सख्त हो जाते हैं और किसके शकल, है? शकल में आते हैं सेडेमेंट्री रॉक्स के शक्ल में आते हैं ठीक है अब देखो बी पार्ट इन हाउ मेनी वेज कैन इग्नियस रॉक्स बी फॉर्मेड गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच तो दो वेज हमें बताना है कितने मतलब हाउ मेनी वेज में जो है इकनेस रॉक्स बनते हैं और उनका एग्जाम्पल एग्जाम्पल भी हमें देना है दे आर टू वेज इग्नियस रॉक्स भी फॉर्मेड टू वेज यहाँ पे है जिससे जो है इकनेस रॉक्स बनते हैं एक है इंटरेसिव इकनेस रॉक्स और दूसरा है एक्सट्रेसिव इकनेस रॉक्स ठीक है तो टू वेज है एक है इंटरेसिव दूसरा है एक्सट्रेसिव ठीक है इंटरेस्यू रॉक्स आर फॉर्मिट फ्रॉम मैकमा दैट कूल्स एंड सोलडिफाइड्स विद इन द क्रस्ट ऑफ द प्लानिट एग्जाम्पल ग्रेनाइट तो हमने पढ़ा भी है इंटरेस्टिंगस रॉक्स जो है फॉर्मेट फॉर्म मैकमा से निकलता है और वो कूल cool हो जाता है ठीक है क्रस्ट ऑफ द प्लानट पे तो uh, उसको जो है हम इंटरेस्व रॉक्स बोलते हैं और एग्जाम्पल है ग्रेनाइट ठीक है Extrusive igneous rocks are formed on the surface of the earth from lava, which is magma, which is magma that has emerged from underground. Example basalt, pumice, and obsidian. तो इंट्रेसि इग्नस रॉक्स जो है किसे बनते हैं और कहाँ पे बनते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ पे फ्रॉम लावा विच इस माकमा दैट इज हैज़ एमरज फ्रॉम अंडरग्राउंड एग्जाम्पल है बेसल्ट पुमिस और ऑप्सीडियन तो ये रहा आपका टू वेज ऑफ टू वेज कैन इग्नस रॉक्स भी फॉर्म ठीक है फिर इसके बाद है ये रहा आपका बी पार्ट इसके बाद है आपका सी पार्ट हाउ डू एक्स और सेडेमेंट्री रॉक्स चेंज इन टू मेटामॉर्फिक रॉक कैसे इग्नेस और सेदेमेंट्री रॉक्स जो है चेंज हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्मेड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इग्नेस एंड सेडेमेंट्री रॉक्स द नेम मेटामॉर्फिक मेटामॉर्फिकाइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेटामोर्फिसिस व्हिच मींस चेंज ऑफ Form. When igneous and sedimentary rocks are subjected to extreme heat and pressure, they change into metamorphic. रॉक्स तो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है किससे बनते हैं ट्रांसफार्मेशन किसकी ट्रांसफार्मेशन इक्नेस और मेटामो सॉरी एकनेस और सटामेंट्री रॉक्स के ट्रांसफार्मेशन से ठीक है और मेटामॉर्फिक रॉक जो है मेटामॉर्फिक जो है ग्रीक वर्ड है ग्रीक वर्ड से निकला है मेटामॉर्फिस जिसका मतलब है चेंज ऑफ फॉर्म जब इकनेस रॉक्स और सटामेंट्री रॉक्स पे जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट और प्रेशर बढ़ जाते हैं ठीक है तो वो किस में चेंज हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में ठीक है तो ये रहा आपका आंसर इन डिटेल का ए पार्ट बी पार्ट और सी पार्ट ठीक है कल हम जो है डी ई एफ करेंगे डी ई एफ के बाद हमारा ये वाला लेसन पूरा कंप्लीट हुआ है ठीक है थैंक यू